बहुत सारे सरपंचों को और पार्षदों को चोट लगी है। आम आदमी पार्टी सरपंचों के और पंचों के साथ तटस्थ रूप से खड़ी है। सुनील भाई थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। आपको बता दें हरियाणा के पंचकुला पे सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, 100 से भी अधिक सरपंच हमारे घायल हो गए, तो इसमें हम अब क्या कहेंगे? यही कहना चाहते हैं सरकार को ये बर्बरता स्टॉप कर देनी चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर सरपंच पर और सारे विरोध कर रहे हैं तो आपको अगर लगता है कि आपकी पॉलिसी जायज है तो उनके साथ बैठे उनको समझाएं कि हाँ ये ई टेंडरिंग का प्रोसेस ठीक है और पारदर्शिता रहेगी। इस तरह एक्सेसिव फोर्स यूज करना, उनके सर पे लाठी मारना, ये सरकार जो है कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपनाते रहती है। एसडीएम ने भी एक बार आपको देख याद होगा बयान दिया था कि किसानों के सिर फोड़ दो, आज अब ये इन्होंने इतना ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोगों को मारा है। जनता जो है इसका जवाब देगी, चुनाव आने वाले हैं। भाजपा और जेजेपी का आज हमने पुतला जलाया है और उम्मीद करते हैं जो सरकार जाग जाएगी, वरना जनता इसको जवाब देना जानती है। हमारे खट्टर साहब का एक बयान था, उन्होंने कहा कि इससे पंचायत की पावर नहीं छीनी जाएगी, बस ये एक अनुशासित तरीका से काम करेंगे, तो फिर इस पे क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सरकार वे को धीरे धीरे जो है पंचों की पावर खत्म कर रही है। पहले उनके सरपंच सभी हार गए बीजेपी के, तो उन्होंने सरपंच की सारी पावर ले ली और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी। ये धीरे धीरे जो जितना पॉलिटिकल सेटअप है इंडिया का, जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से पंचायती राज उसको खत्म करने में लगी हुई है। आपको पता है अब MCG के चुनाव भी 4 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक वो चुनाव कराने की परिस्थिति बना नहीं रहे हैं। वो हर चीज़ में देखते हैं कि हमारी कैसे सेटिंग हो, और जहाँ पे वो हार जाते हैं फिर वो गुंडाई रवैया अपना लेते हैं, जिस तरह उन्होंने दिल्ली के सदन में किया। कि सरपंचों को गांव की सरकार कहा जाता है और उनके ऊपर ऐसा प्रहार, इस पर क्या कहेंगे? सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज की आम आदमी पार्टी की तरफ से हम उसकी निंदा करते हैं। बर्बरता से हुए लाठीचार्ज ये बिल्कुल अन्यायपूर्वक है। जो चुने हुए सरपंच और पंच जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे उनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत जी दोनों की मिली हुई सरकार ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, और जिसमें बहुत सारे सरपंचों को और पार्षदों को चोट लगी है। आम आदमी पार्टी सरपंचों के और पंचों के साथ तटस्थ रूप से खड़ी है और उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रही है, और हमेशा ऐसे जो लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र में जो चुनके आए हैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। खट्टर साहब ने एक बयान में कहा था कि ये जो ई टेंडरिंग है वो सरपंचों की भलाई के लिए है, ताकि वो एक नियमित रूप से काम कर सके और उनकी इसमें कोई भी ताकत नहीं छीनेगी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, सरपंचों और पंचों को ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर निकालने के लिए कहा गया था, परंतु हरियाणा के अंदर शिक्षित ना होने के कारण, कंप्यूटर की नॉलेज ना होने के कारण, कंप्यूटर लैब ना होने के कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी कठिनाई से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें आप डायरेक्ट इसकी टेंडरिंग के लिए हमें अनुमति दें। जो कंप्यूटर की जो टेंडरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा काम है, और ये अभी कहीं नहीं हो रहा इस तरीके से, ये यहाँ पे थोपा जा रहा है, और इसकी सरपंच अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जब वे आवाज़ पंचकुला में उठा रहे थे तो उनके ऊपर एक अन्यायपूर्वक लाठीचार्ज हुआ, जिसकी आम आदमी पार्टी गौर निंदा करती है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों पे लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे पराए मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद।